हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो आपके घर और किचन के कामों को आसान करने वाली है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले ट्रिक है हमारी ये पराठे को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम तिकोरे पराठे बनाते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे होते हैं, तो बच्चे उन्हें खाना पसंद करते हैं। तो वही मैं आपको ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गोल पर ही ऑयल लगा लिया है, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। और फिर उसको फोल्ड करने के बाद भी मैंने लगाया है, और अब मैंने इसको और फोल्ड करके सूखा आटा लगाकर हाथ से प्रेस करके मैं इसे त्रिकोण की आकार में ही बेलूँगी। तो इस तरह से ये ट्राइंगल पराठा हमारा बनेगा, और इसको हमें गोल करके बिल्कुल भी नहीं बेलना है, इसी तरीके से हमें बेलते जाना है। आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा पराठा बेल करके तैयार हो जाता है। तो कितना ही आसानी से हमने इसे बेला है, और हमने तवे को गर्म कर लिया है। बस इस पर हम पराठे को डाल देते हैं, तो बस एक तरफ से हम इसे सेक लेते हैं, यानी कि इसे पचा लेते हैं। अब दूसरी तरफ से इसे पलट कर पचाएंगे, तो बस इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं। आप चाहें तो कलछी की सहायता से भी पलट सकते हैं। और इस तरीके से हमने ऑयल लगाया है, आप देसी घी या रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से डाल देते हैं। तो दोनों साइड से हमने ऑयल लगाया है, अब इसे हम कलछी से दबा दबा कर इस तरह से सेकेंगे कि जो पराठा हमारा लाल और क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से ये बहुत ही अच्छा पराठा बनता है फ्रेंड। जब ये फूल कर आता है और इसे जब फाड़ा जाता है तो इसमें से अंदर से लेयर निकलती हैं, और इसे लेयर वाला पराठा भी बोला जाता है। और इसी तरीके से हमने एक पराठा और बना लिया है। तो ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रायंगल पराठा किस तरह से बनाया जाता है, तो आप इसी तरीके से पराठा बनाइएगा फ्रेंड्स, आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। तो ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब दूसरी ट्रिक है पेड़ पौधों को लेकर। तो फ्रेंड्स ये हमारा मरवे का पौधा है, इसे बनतुलसी भी कहा जाता है, और इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, यानी कि इसके अंदर जैसे पुदीना होता है उसी तरह से इनमें भी बहुत खुशबू होती है। और इसकी चटनी बनाई जाती है जो पेट के रोगों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इस बरसात के मौसम में पुदीना और धनिया तो कम उपलब्ध हो रहा है, अपने ताज़ी गमले की पत्तियाँ फ्रेश फ्रेश इस तरह से कितनी अच्छी लगती हैं, और इसकी बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। तो मैंने ये पत्तियाँ कलेक्ट कर ली हैं और इन्हें अब मैं धो लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से टैप के नीचे ही इनको रख दिया है, और इस तरीके से मैं निथार निथार कर इन पत्तियों को निकालूंगी। फ्रेंड्स जब अपने गमले से ताज़ी पत्तियां तोड़कर चटनी बनाई जाए तो उसका मज़ा अलग ही होता है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में मरवे का पौधा ज़रूर से लगाइएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है, और इन्हें तुलसी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने ये पत्तियों को निथार निथार कर निकाल लिया है। अब मैं इस पानी को डाल करके दोबारा कटोरा धो करके फिर से इन्हें और वॉश कर लेती हूँ। हमें 3-4 बार इसी तरीके से वॉश करना है, क्योंकि बरसात का मौसम है, इस पर कीड़े वगैरह बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छे से साफ करके ही लेना है। और इस तरह से मैंने इन पत्तियों को निथार करके धो लिया है, आप देख सकते हैं कितनी हरी और कितनी फ्रेश पत्तियाँ हैं, और ये बहुत ही अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स मैं इनकी चटनी बनाकर आपको दिखाऊँगी, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने मिक्सी का जो बड़ा वाला जार होता है फ्रेंड्स उसमें ये चटनी बनाई है, क्योंकि जो बड़ा ग्राइंडर होता है उसमें हमारी चटनी सही से नहीं बन पाती है, क्योंकि उसके कटर हमारे थोड़े सही नहीं हैं। और इसमें भी बहुत अच्छी चटनी बनती है क्योंकि नीचे से छोटा होता है, और मैंने इसमें कैरी का अचार डाला है जो हींग वाला होता है, हींग और नमक और मिर्ची इसमें होती है, चटपटी मिर्ची होती है। और इसमें मैंने थोड़ा जीरा डाला है और थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड किया है, यदि आपके पास हरी मिर्ची हो तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने धनिया पाउडर और सादा नमक ऐड किया है, आप इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और मैंने आधा चमचा इतना ही पानी और ले ली हूँ, मैंने 1 चमचा करीब पानी डाला है, और बस इसको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। अब मैंने ये ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी चटनी बनकर के तैयार हुई है। और ये चटनी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होती है, यदि आप एक बार खा लेंगे ना तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। और ये साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाई भी होती है जो पेट को अच्छा रखती है। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, अब बरसात का मौसम है तो कभी कभी पेट गड़बड़ा जाता है, तो आज मैंने खिचड़ी बनाई है।
और उसमें मैंने एक चम्मच देसी घी मेल्ट किया हुआ डाला है और उसमें आधा चम्मच जीरा और एक पिंच हींग डाली है। और ये हींग बहुत अच्छी वाली है इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। और अब मैंने इसमें खिचड़ी को डाल दिया है और मैं धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने ऐड की थी जो मैं दिखाना भूल गई हूँ। और इसी तरीके से मैंने इसमें पानी, हमें एक गिलास खिचड़ी के साथ 3 गिलास पानी डालना है। तो खिचड़ी का जो मेजरमेंट होता है, जिस बर्तन से आप खिचड़ी लें उसी से 3 गुना पानी ऐड कीजिएगा। और इसे मैं चला देती हूँ जिससे चावल और दाल आपस में चिपके नहीं। और इसके अंदर थोड़ा हल्दी पाउडर और नमक भी हमें ऐड करना है और वो मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैंने इसको ढककर एक सीटी हमें लेनी है और गैस का फ्लेम हमें तेज़ रखना है। तो बस अब हमारी खिचड़ी बन करके तैयार है और सीटी को हमें निकल जाने पर ही खोलना है। बस हमने प्लेट में थोड़ी सी खिचड़ी ठंडी की है और इसमें थोड़ा सा आप देसी घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं और मैंने ये मरवे की चटनी ऐड की है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है और मैं अपने कान्हा जी को इसका भोग लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तुलसी दल भगवान जी के खाने में ज़रूर से रखा जाता है क्योंकि उसके बिना भगवान भोग प्राप्त नहीं करते हैं। तो मैंने तुलसी दल रख के ही भगवान जी को कान्हा जी को भोग लगाया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे कान्हा जी हैं कितने खूबसूरत हैं और ये मेरे वृंदावन बिहारी जी हैं और ये मेरे कृष्ण भगवान हैं युगल के। तो फ्रेंड्स ये अगली ट्रिक है मेरी बत्ती को लेकर। जब क्या होता है हम एक एक बत्ती बनाते रहते हैं तो हमारी जो रुई है वो छोटे छोटे टुकड़े में बनती जाती है और वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप दूध लें और काफ़ी सारी रुई लेकर के आप जब खाली टाइम में बैठी हो, जब फुर्सत में हो, आपको कोई काम ना हो, तो उस समय इस तरह से रुई को लेकर दोनों छोर पर दूध लगाकर बनाकर फिर उन्हें आपस में चिपकाकर इस तरह से बत्ती बनाइएगा। फ्रेंड्स ये सूखने के बाद बहुत अच्छी बत्ती बन जाती है। इसी तरीके से हम सभी बत्तियां बना लेते हैं और धीरे धीरे हम सभी बत्तियां बना करके इन्हें सुखाएंगे, पंखे की हवा में सुखाएँ। और इस तरह से मैंने सभी पंखे की हवा में बत्तियाँ सुखा करके इस तरह से रख दी हैं। और इसमें मैंने तिल का तेल डाला है, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं लेकिन तिल का तेल सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि बत्तियाँ आपस में चिपकती नहीं हैं और इस तरह से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए तो आप अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाती हैं तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण दोस्तों।